वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने वज़ीर आज़म से पूछा कि किसानों की आमदनी में इजाफे का महकमे ज़िरात का दावा अगर सच है तो फिर मुल्क के आवाम को दफ्तर वज़ीर आज़म उन तफसीलात से वाकिफ करवाए कि कितने मिलियन किसानों की आमदनी दुगनी हुई, इन किसानों का ताल्लुक किस रियासत से है और इस कारनामे को हासिल करने के लिए हुकूमत ने कौन सा कदम उठाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने ये सवालात एग्रीकल्चर इंडिया के ट्वीट पर किए, जिसमें दावा किया गया कि किसानों की बड़ी तादाद की आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो गई। केटीआर जो वजीर आला केसीआर के फर्जंद और हुक्मरान जमा टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने एक और ट्वीट में पार्लियामेंट में बाज अल्फाज के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की जानिब से आंदोलन जीवी लफ्ज का इस्तेमाल दुरुस्त है, वजीर की जानिब से गोली मारो सालों को लफ्ज मुनासिब है, वजीर आला यूपी का इस्तेमाल 80-20 का दुरुस्त है, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की जानिब से गांधी जी की तौहीन दुरुस्त है, एहतजाजी किसानों को दहशतगर्द करार देना दुरुस्त है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ उन अल्फाज को भी पोस्ट किया जिन पर पार्लियामेंट में पाबंदी है, उनमें काबिल एतराज बुजदिल, कॉकरोच, धोखा, गधा, झूठा, रिश्वत, फर्जी, कत्ल, शर्म, कोविड फैलाने वाला, हिस करने वाला, दगाबाज, स्कैंडल वगैरह शामिल हैं।